अस्मी आशीषः भवतां संस्कृत शिक्षकः अहम् भवतां कृते संस्कृतं पाठयामि। तो ऐसे डिमांडेड पीपल हैज डिमांडेड मी कि हाउ टू लर्न संस्कृतम, संस्कृत कैसे बोलना लिखना समझना हमें सीखनी है। हाउ टू लर्न मतलब संस्कृत सीखनी कैसे, ओवरऑल इज सेइंग हाउ टू लर्न संस्कृत। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर टू लर्न संस्कृत। सबसे पहले फर्स्ट वर्क योर एक अच्छे ज्ञाता को ढूंढो, मतलब जिसको अच्छी संस्कृत आती हो। तो सबसे पहले एक अच्छे ज्ञाता को ढूंढो। द सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन में डिसाइड करो कि मुझे संस्कृत सीखनी है या नहीं सीखनी है। थर्ड पॉइंट, अपना एक टाइम फिक्स करो, वीकली 3 days, 2 days और 7 days ओनली आई एम गोइंग टू गिव। हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड फॉर संस्कृत। तो पूरे वीक में दिन निकालो, एक टाइम फिक्स करो, इवनिंग 5 o'clock टू 6 o'clock, आई विल सिट एंड आई लर्न। अगर आप ये 3 चीज का ध्यान रखते हो तो उसके बाद संस्कृत सीखने के लिए जब आपने ज्ञाता ढूंढ लिया है, चाहे वो आप यूट्यूबर को ढूंढो, चाहे वो आप यूट्यूब में ढूंढो, चाहे आप यूट्यूब में वीडियोस ढूंढो, चाहे आप संभाषण शिविर के लिए आपके सराउंडिंग लोगों को देखो, ये चीजें आपको पहले दिमाग पे फिक्स करनी है। फिर चौथी बात है कि अपने साथ एक साथ वाले को ढूंढो, एटलीस्ट ऐसे यू आर हाउस वाइफ तो आप अपने किसी नेबर्स को, आपकी फ्रेंड्स को, अगर आप वर्किंग में हो ऐसे जेंट्स तो अपने दोस्त को ढूंढो, ऐसे स्टूडेंट यू आर देयर तो अपने दोस्तों का सर्कल बनाओ। मतलब अकेले आप नहीं सीख सकते, मतलब सीख नहीं सकते, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हो, यू कैन लर्न, बट हाउ, एक ग्रुप सर्कल होता है ना, ग्रुप स्टडी वी विल डन इन दैट वे। तो आपने जब ये सब कुछ ढूंढ लिया है तो उसके बाद सबसे पहले सरल सरल क्रियापदानी, सरल क्रियापदानी से स्टार्ट करो, इन शब्दों को लिखो, सरल क्रियापदानी। अगर आप सरल क्रियापदानी से स्टार्ट करते हो, लाइक क्रियापदानी इज व्हाट, पठती, खादती, लिखती, गच्छती, मिलती, यहां से शुरुआत करो। अगर आप यहां से शुरुआत करते हो तो आपको स्टार्टिंग में इजी लगेगा, शब्दों का ज्ञान होगा। और दूसरी बात, शब्दों का ज्ञान एकत्रित करो, शब्द ज्ञान को ढूंढो। अगर इफ यू आर गोइंग टू सर्च शब्द ज्ञान, व्हाट वी विल कॉल बकेट, व्हाट वी विल कॉल बॉल, डोर, विंडो, फैन, वेजिटेबल्स, दोज नामानि भवतः एतत् प्राप्रथमं कार्यं कार्यमस्ति। अनंतरम शब्द रूपाणी धातु रूपाणी, किंचित इसका ज्ञान भी लेना है। शब्द रूपाणी शब्द धातु, शब्द रूपाणी लाइक रामः, राम शब्दः, सीता शब्दः, ऐसे शब्दों को सर्च करो। फिर धातु रूपाणी में ये सेम पठती पठ धातु, खादती खा धातु, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लो और इसका प्रतिदिन पारायण करो, लाइक राम शब्दः, सीता शब्दः, हरि शब्दः, भानु शब्दः, ऐसे शब्दों को मतलब अपनी डायरी में लिख के उसका डेली अभ्यास करना है। सी आई डिडंट टेल यू टू रीड, आई टोल्ड टू प्रैक्टिस। देन जब आपका संभाषण शिविर स्टार्ट होगा तब आप वहां धीरे 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 अपने शब्दों को सीखने की कोशिश करो। मतलब आपको प्रतिदिन पारायण करना है, पारायण का मतलब होता है किसी चीज को रोज रोज पढ़ना, किसी चीज से रोज रोज कुछ नया सीखना। सिंपल एक लॉजिक मतलब बात बोलता हूं, जैसे मतलब पारायण में मान लो आपको शब्द ज्ञान में क्या करना है, आप शब्द ज्ञान में राम शब्द, सीता, हरि, विष्णु, माता, पिता, ऐसे शब्दों को एकत्रित कर दो, सीता, नदी, और प्रतिदिन उसका पारायण करो, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ऐसे उसका रोज पारायण करो। और शब्द रूप धातु रूप में जो क्रियापदानियां आपने लिखी है, विच यू हैव रिटन, उसका भी प्रैक्टिस करो, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, ऐसे ही इनको 5 लकारों में आप लेके चलो। और फिर धीरे धीरे आप जब सरल संभाषण शिविर के जरिए मतलब हाउ टू लर्न संस्कृत में जब आप आएंगे तो आप डेली एक एक क्लास अटेंड करो, संभाषण शिविर के जो संभाषण शिविर जो होने वाला है उसके डेली एक क्लास अटेंड करो, उसमें शब्दों को ध्यान से सुनो। बस उसके बाद क्या है, आपकी
स्टार्ट हो गई यात्रा, आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और आप संभाषण शिविर में धीरे 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 अच्छे से सीखेंगे। तो मतलब एक अच्छा संस्कृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एकदम से ज्यादा सोचना नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, अपना थोड़ा टाइम इस संस्कृत के लिए देना है। इफ यू विल स्पेंड योर टाइम हियर एंड यू विल डिसाइड योर सेल्फ तो 100% आप अच्छे से संस्कृत सीख जाओगे। और संस्कृत सीखने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग आप यहीं से कर सकते हो। पठति आशीषः पठति, खादति रामः खादति, ऐसे स्टार्टिंग है, मतलब ये आपका बेसमेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऐसे ही होगा। और धीरे धीरे चल के आपको जब आप हाउ टू लर्न संस्कृत में एंटर करोगे, यू रिमेंबर आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, सबसे पहले एक अच्छे ज्ञाता को ढूंढो जिसको अच्छे से संस्कृत आती हो, जो आपको अच्छे से संस्कृत समझा सके, देन ओनली आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो इट्स टू डिफिकल्ट। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखो और अच्छे से रहो, खुशी से रहो, हमको याद रखो और अपूर्वा की पाठशाला में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। तब तक आप अपना मन पक्का बना लो, डिसाइड योर सेल्फ, अपने दिमाग से सोचो और अपना मन पक्का बना लो और हमसे जुड़ो अपूर्वा की पाठशाला में। मैं आपका संस्कृत शिक्षक आशीष, दिस इज आशीष जो आपको अच्छे से ये सब कुछ टीच करने वाला है। तो तब तक अपना ख्याल रखो, अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखो, चलो फिर बाय बाय बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, धन्यवाद।